2022 दीआं विधानसभा चोणां दी तैयारियां दा जायजा लैण लई पंजाब दे मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करुणा राजू गुरदासपुर पहुंचे। इस मौके उन्होंने जिला गुरदासपुर अते पठानकोट दे अधिकारियों नाल मीटिंग की। मुख चोण अधिकारी ने अफसरां नूं हदायत दित्ती कि एक हफ्ते बाद वह खुद फिर दोबारा आउणगे अते हर काम की जानकारी लैणगे। इस मौके मुख चोण अफसर ने पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा कि असीं वोटर लिस्टां अते बूथां की पूरी जानकारी अपने वैबसाइट ते रोज़ाना हल्के वार पा रहे हैं ते बहुत जल्द पूरे पंजाब दे वोटरां की जानकारी हुण हर किसी नूं नैट द्वारा वैबसाइट तो मिल जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि 80 साल जां फिर अपाहिज लोकां नूं हुण असीं पोस्टल बैलेट पेपर मुहैया करवा रहे हैं। हुण अपाहिज अते 80 साल तो वडेरी उम्र के लोग घर बैठे ही अपनी इच्छा अनुसार वोट पा सकणगे। ते नाल ही उन्होंने कहा कि यह जिहड़ी सुविधा है यह पहला सिर्फ फौज अते सरकारी अधिकारियों लई सी। इस बारे उन्होंने होर की कहा वह तुसीं आप सुनो। आज मैं इत्थे गुरदासपुर अते पठानकोट की इलैक्शन प्रिपेयरनैस की मीटिंग लेने वास्ते आए थे। इस मीटिंग दे विच डीसी साहिबान, एसएसवी साहिबान और ईआरओस जिहड़े भी आने वाले समय दे विच आरओस बनणगे, आरओ मीनस रिटर्निंग ऑफिसर, नाल ही नाल उन्हां दा एक टीम है ये AERO1 AERO2 और इस सारी टीम की मैं रिव्यू करने वास्ते इत्थे आए थे। पठानकोट अते गुरदासपुर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और एक आध जगह और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की लोड़ है। डीसी साहब ने मैनू आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया, आने वाले एक दो दिन में कंप्लीटली जितना भी साड़ा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेंगे। और स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जेडे भी हमारा बूथ लेवल पे होना है कार्रवाई, बूथ में वोटर्स दी अवेयरनेस वास्ते उन्होंने जागरूक करने वास्ते जिन्ना भी एक्टिविटीज़ होना है, हमारे आरओस जेडे भी SDM साहिबान, DDPO साहिबान, BDPO साहिबान सब लोग मिल के बूथ लेवल में अपना अभी अवेयरनेस कार्रवाई करेंगे, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। BLO साहिबान अपना दोनों जिला दे विच टोटल बूथ्स दी डेटा खास करके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है। इस इंटरनेट का नाम है ERO नैट, जो जेडे भी ERO नैट की मतलब है उससे पूरा इलेक्शन संबंधी रिलेटेड इश्यूज़ का पूरा वेरवा रहता है, वोटर्स की वेरवा रहता है, बूथ्स का वेरवा रहता है, उत्ते एश्यूड मिनिमम फैसिलिटीज़ का वेरवा रहता है। ये सारी डिटेल डिजिटाइजेशन करते हुए BLO साइबन 100% BLOs साडा जिले की पठानकोट अते गुरदासपुर का डेटा ERO नेट से अपलोड कर रहे हैं। आज 3-4 कंस्टिटेंसीज में हल्का सा परफॉर्मेंस कट सी, मैनू अश्योरेंस मिला है कल तक ये काम हो जूगा। बहुत वधिया गल तुसी मैनू पूछिया सी, ये वोटर्स दी जानकारी है और बूथ दी जानकारी भी है। हो सकता है नवा बूथ कुछ बनिया हुआ साडा जिले दे विच, इस तो पहले जेडे पार्लियामेंट इलेक्शन होया सी उस समय में पूरा स्टेट दे विच 23,211 सी। हुण जेडे भी असेंबली इलेक्शन होना है अपना 2022 दे विच, उस वेले जेडे भी पोलिंग बूथ दी संख्या है, गिनती है, हल्का सा वध गया है। जेडे भी बूथ दी संख्या गिनती वध गया है, उस बूथ द डिटेल जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जेडे भी तुहाडा मोबाइल दे विच रहिंदा है उत्थे जाके उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होण तो बाद की हुंदा है, इलेक्शन दी वेले कोई भी वोटर इस बूथ दी बारे में जानकारी ले सकते हैं। उत्थे लोग किन्ने ने, वोटर्स ने, मैं किस वेले जा सकता हूँ या मेरा बूथ दे ठीक ठाक उसे बनया हुआ है, ये सभी डिटेल्स उत्ते मिलता है। ये जानकारी हुण ERO नेट से पाई जा रहे और नाल ही नाल वोटर्स दी पूरा जानकारी, नवा वोटर जेडे भी 18-19 साल दी उम्र जेडे भी उन्हां नूं असी यंग वोटर्स कहंदे ने, फस्ट टाइम वोटर्स, नाल ही नाल परसनस विद डिजेबिलिटीज़, दिव्यांग वोटर्स ने साडा जिले दे विच, पठानकोट जिले दे विच जिन्ना भी दिव्यांग वोटर्स अते वोटर्स विद ओल्ड एज है ना 80 साल से उम्र उपर, उन्हां नूं असी पोस्टल बैलेट की सुविधा देण जे जा रहे हैं। अगर वो करी ची रह के वोटिंग करना चाहते हैं पोस्टल बैलेट की सुविधा, इस तो पहले असी कर्मचारी जेडे भी इलेक्शन दे विच जेडे भी कर्मचारी का ड्यूटी लगता है उन्होंने ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाती सी, वही सेम सुविधा सेम बिन ये फैसिलिटी अपना 80 ईयर्स से ऊपर जेडे भी अपना वोटर्स हैं और पर्सनस विद डिजेबिलिटीज दिव्यांग वोटर्स उन्होंने भी असी देन जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का खास करके इस इलेक्शन वास्ते
इस वोटर्स नू एक फैसिलिटी दिती गई है। ये सारी डिटेल्स इस मीटिंग दे विच काफ़ी डूंघाई दी नाल चर्चा हुई है, विचार वटांदरा हुई है। जिते भी काम करन दी लोड़ है, साहिबान इलेक्ट अपना अफसर साहिबान मैनू यकीन दिलाया है, और आने वाले एक आध हफ्ते के बाद फिर मैं आके बूथ वाइज दी जानकारी रिव्यू करूँगा। बैलेट बहुत चंगा प्रश्न सी तुहाडा, क्योंकि हुण जिहड़े भी अज दा मीटिंग होया सी उस मीटिंग दे विच एक इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट ये सी, जिहड़े भी बूथ दी एक बूथ एरिया दे विच एक दो तीन जिहड़े भी अपना इस तरीके वोटर्स रहिंदे ने उन्हां दी फ्लैग किया जाएगा। उन्हां नूं फ्लैग करके SDM साहिबान उत्थे ERO जिहड़े भी इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर हैं उन्हां दा लिस्ट विच रहिंदा है, उन्हां नूं कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उन्हां नूं पुछा जाएगा कि तुहानूं तुसीं वोट पाउण वास्ते बूथ दे विच जाना चाहुंदे हो या तुहानूं असी कोई होर कोई इंतजाम करके दे, उन्हां दा पूरे डिटेल्स असी लेवांगे। इस एंटायर एक्सरसाइज इस करके कीती जा रही है। नहीं, ये वैबसाइट पहले से ही लॉन्च है, ये पोर्टल है साडा ERONET, ये ऑल इंडिया वास्ते है, ये पूरा सारिया स्टेटां दी वोटर्स दी जानकारी उत्ते रहिंदी है, पूरा सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है। इस करके अपना हर एक ERO दी कोल अपन लोग ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल ते प्रोग्रामर्स ने, असिस्टेंट प्रोग्रामर ने, बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम है ये। और 1 तारीख नूं असी ड्राफ्ट रोल प्रकाशन करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये एक्सरसाइज होनी यही जा रहा है, अपना 1 महीने पूरा यही एक्सरसाइज करना है, अपना नवंबर दी पूरा ये असी पिंड पिंड जाके वोटर एरिया दी बूथ एरिया दी जाके लोगों को दसांगे तुहाडा नाम है। उत्थे जाके BLO साहिबान दी 2 कैंप्स होणगे, मेरे ख्याल से 1st वीक में एक कैंप है, फिर 3rd वीक में एक कैंप है। उत्थे BLO साहिबान बूथ दे विच बैठणगे, जाके उत्थे वोटर लिस्ट लेके वो कोई भी जाके पूछ सकते हैं, उन्हों का वोट कटिया है या जोड़िया हुआ है, उन्होंने ना दे विच कोई कोई कमी पेशी है, फोटो ठीक है नहीं है, ये सारी डिटेल्स उत्ते मिल सकते हैं। उन्होंने कोड छोड़ो, अभी अपना तैयारियां है, वो इलेक्शन कमीशन दी काम है, अभी साडा काम है पूरा मुकम्मल इंतजाम करन दी, हर एक कदम चकना है, वोटर रोल तैयारी करना है, प्योर वोटर रोल चाहिए, उस दे विच कोई कमी नहीं होना चाहिए, इस फेज चल रहा है। उस तो बाद असी देखेंगे जिमें जिमें असी इलेक्शन की तरफ जावेंगे, मैं तुहानू हर समय अपडेटेड जानकारी देते रहांगा। गुरदासपुर तो जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट, द पब्लिक टाइम्स।